उज्जैन में कालिदास अकादमी में गरबे के दौरान मारपीट हुई है। तीन मुस्लिम युवकों की जमकर पिटाई की गई है। हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पिटाई कर दी। गरबा पंडाल में मुस्लिम युवकों के प्रवेश पर प्रतिबंध था। युवकों को बचाने आई पुलिस से हुई तीखी नोकझोंक। पिछले तीन दिनों से चार दिनों से लगातार शिकायतें आ रही थी कि यहाँ पर जो गरबा आयोजक है उन गरबा पंडालों के अंदर जिहादी तत्व के जो लोग हैं वो वहां पर अपनी पहचान छुपाकर वहां पर लव जिहाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उन पंडालों में जा रहे हैं। आज चूंकि बजरंग दल के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा यहां पर जितने प्रमुख पांच पंडाल थे वहां पर जाकर हम लोगों ने वहां के आयोजकों से संपर्क करा, उनके माध्यम से वहां जितने भी लोग गरबा करने के लिए आए थे उनके साथ में हमने हमारा जो मैसेज था हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि वहां पर जो गाने बजते हैं वो अश्लील गाने ना बजे क्योंकि माँ की आराधना का पर्व है। और दूसरा जैसा कि हमारे गृह मंत्री जी ने क्लियरली कहा था कि कोई भी जिहादी कोई भी गैर हिंदू ऐसे कार्यक्रमों में उसका प्रवेश प्रतिबंधित है और अगर वो आता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कानूनन कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ वहां पर जाकर मंच के माध्यम से वहां के सभी लोगों को अपना संदेश प्रस्तुत कर रहे थे, हमारे कार्यकर्ता उनके आईडी चेक कर रहे थे, जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें स्पष्ट तौर से दिख रहा है कि विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता है वो उसको पकड़ के पुलिस के हवाले करने लेकर जा रहे हैं। चूंकि वहां पर माता बहनें थी, बहनों में बहुत आक्रोश है क्योंकि लव जिहाद की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता उज्जैन से हमारे साथ प्रेम जुड़ गए हैं। प्रेम, जिस तरह से कालिदास अकादमी में गरबा के दौरान ये मारपीट हुई है, क्या है पूरा मामला? जी हाँ, ये बीती रात लगभग 11 बजे की बात है। यहाँ पर हिंदूवादी संगठन अर्थात बजरंग दल के जो कार्यकर्ता व नेता हैं अचानक से पहुंचे और यहाँ पर सबसे पहले तो जो कार्यक्रम चल रहा था उसको रोकते हुए मंच से ही अनाउंस किया गया कि किसी भी प्रकार के अश्लील नृत्य व अश्लील गाने ना बजाए जाए। इसके बाद यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने जो जनता खड़ी थी ऑडियंस थी उनमें जाकर पूछताछ शुरू की, आईडी चेक किए। तीन ऐसे संदिग्ध युवक मिले जो गैर हिंदू थे जिनके पास आईडी चेक किया गया तो वह अलग धर्म का दिखाई दिया। तो उसके बाद यहाँ पर बवाल मचा, जो गैर हिंदू युवक थे उनके साथ मारपीट शुरू हो गई। हालांकि जो हिंदूवादी संगठन के नेता उनका कहना है कि यह मारपीट उन्होंने नहीं की, वहां पर जो भीड़ मौजूद थी भीड़ उन पर टूट पड़ी है। पुलिस भी मौके पर थी, पुलिस ने जैसे तैसे युवकों को बचाया और वे थाने लेकर पहुंचे। हिंदूवादी संगठन के नेताओं का पुलिस से भी नोकझोंक हुई है। अब मामले में अपडेट यह है कि रात्रि को पुलिस तीनों युवकों को थाने पर ले आई थी, उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। पुलिस का कहना है कि हमारे पास अभी किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है, यदि शिकायत आती है तो जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। जी, तो कुल मिलाकर उनको छोड़ दिया गया, लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया उससे ये जरूर समझ में आता है कि उनको आमंत्रित नहीं किया गया था, वो जबरदस्ती इस गरबा कार्यक्रम में घुसा है जिस पर प्रतिबंध पहले से था। क्या वहां निश्चित तौर पर चूंकि प्रदेश के गृह मंत्री धर्मस्व मंत्री के साथ ही उज्जैन के जो महामंडलेश्वर है अतुलेशानंद उन्होंने भी यहाँ पर एक घोषणा की थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि किसी भी गरबा पंडाल में कोई भी गैर हिंदू प्रवेश ना करे। इस बात को लेकर उन्होंने यह निर्देश भी दिए थे कि युवकों को तिलक लगाए जाएं गरबा पंडाल में और इसके साथ ही बैनर लगाने के भी निर्देश दिए थे। कुछ गरबा पंडालों में इस प्रकार के बैनर होर्डिंग भी दिखाई दे रहे हैं कि गैर हिंदू प्रवेश ना करें। हालांकि बावजूद इसके यहाँ पर इस प्रकार के युवक दिखाई दिए और जब संत व नेता व मंत्री इस प्रकार के जब बयान देता है तो निश्चित तौर पर हिंदूवादी संगठन के जो कार्यकर्ता है नेता है उनको भी इस प्रकार की कार्रवाई करने में बल मिलता है और यही हुआ कि इस प्रकार की घटना देखने को मिली। बिल्कुल, तो जिस तरह से ये पूरी घटना सामने आई अब इस पर पुलिस की नजरें हैं और कोई प्रार्थना पत्र मिलने पर इस पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रेम जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।